एवरीवन, अभी स्टूडेंट्स आपने सीखा सेमी सर्कल, सीखा ना आपने सेमी सर्कल, और इसी सेमी सर्कल से आज हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? ओ उल्लू। ये देखिए, आपसे ऊ से तो बहुत चीजें होती हैं, ये देखिएगा ऊ से उल्लू होता है, आपने सुना होगा ना, ऊ से उल्लू की क्या बात, उड़ता फिरता सारी रात, उसे उल्लू नाम कहाए, जब वह जागे हम सो जाएं। तो देखो, उसे उल्लू पहले हम देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो, इसी सेमी सर्कल से आज मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, ऊ उल्लू बनाया ना सेमी सर्कल, उसके नीचे फिर सेमी सर्कल बनाओ, बन गया थोड़ा सा बेटा, ताकि ये सुंदर लगे तो नीचे वाले सेमी सर्कल को आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है, बिल्कुल सेम सेमी सर्कल है, फिर इसके नीचे फिर से सेम सेमी सर्कल आप बनाएंगे, और फिर ताकि आपकी जो अक्षर की बनावट है सुंदर दिखे, आप उसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, और फिर स्लिपिंग लाइन। आपको बच्चे पहले प्रैक्टिस, अगर आपको बड़े अक्षर लिखने की होती है तो आप बिना घबराए एक दो दिन ऐसे बना लो लाइन को टच करके, लेकिन बाद में आपको बनाना ऐसा ही है। आपको अच्छा है स्टार्टिंग से ही आप छोटा सेमी सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करो। तो ऊ से क्या क्या होता है बच्चे, देखो ऊ से उल्लू, और क्या हो सकता है आप बताइए ना, ऊ से क्या क्या हो सकता है? देखो, ऊ से उपहार भी हो सकता है, ऊ से उपवन भी हो सकता है, ऊ से आपके घर में किसी का नाम भी हो सकता है। देखो, ऊ से उमंग नाम हो सकता है, उर्वी हो सकता है, उमा हो सकता है, तो आपको जरूरी नहीं है उसे उल्लू ही लर्न करना है, आप उपहार भी कर सकती हैं, उपवन भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कई बच्चे तो राइमिंग बना के बोलते हैं, जैसे उसे उल्लू नाम कहाए, जब वह जागे हम सो जाएं, ऐसे आप हंस हंस कर राइमिंग के साथ भी आप उल्लू की प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब आपको बोला ना, केवल उसे उल्लू ही नहीं है, क्या क्या हो सकता है बच्चे आप बताओ, चलो उसे उल्लू भी है, उसे उपहार भी है, उसे उस्त्रा भी बन सकता है, और उसे उड़द भी बन सकती है, कई नाम है उसे। तो आपको जरूरी नहीं है किसी से पूछा जाए तो केवल ये मत बताना वो उल्लू, आप क्या बताओगे, वो उपहार बता सकते हो, वो उस्त्रा बता सकते हो, वो उड़द बता सकते हो, उसे उमंग, उसे उमा, उसे उत्कर्ष, उसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं। आपको पहचान किसकी करनी है, ऐसी जो थ्री की तरह दिखता है, आपको पिक्चर से पहचान नहीं करनी है, आपको अक्षर की बनावट देखकर पहचान करनी है, ठीक है ना। आप जब सेमी सर्कल की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए तो आप आगे 2 डेज केवल ऊ उल्लू की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।